Good morning, students. Today I am going to take your geography period of 10th standard. And in geography period, this year the government, the board has done some changes. Means for the former classes, they are given the geography of India in the last year portion, last year course. They are given the information about India and the whole state. But this year they done some experiment. Experiment means they want a country that we can compare with India. वो चाहते थे कि इस बार बच्चों को थोड़ा सा और अलग दिया जाए, और वो भी अलग ऐसा अलग दिया जाए कि बच्चे हमारे देश को किसी दूसरे देश के साथ में कंपेयर होता हुआ देखेंगे. लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी देश को उठा लो और अपने देश के साथ में कंपेयर कर लो, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट या बोर्ड ने जो कंट्री को चुना है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था. वो भी क्राइटेरिया ऐसा कि पढ़ते समय ऐसा लगे कि यार ये चीज़ें हमारे भी देश में है और उनके भी देश में है. तो ये जो चीज़ें वो हमको दे रहे थे या हमारे द्वारा बच्चों को दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने जो कंट्री चुनी थी उसका नाम है ब्राज़ील. दैट इज़ वाई आवर टॉपिक इज़ वाई ब्राज़ील, कि ब्राज़ील ही क्यों. तो उसका ब्राज़ील लेने के पीछे का सबसे पहला रीज़न था, पहला क्राइटेरिया था कि द कंट्री शुड नॉट बी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड. जैसा अगर हम ब्राज़ील को अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे लेने का एक कारण था कि ब्राज़ील ही क्यों. क्यों ब्राज़ील? क्योंकि ब्राज़ील हमारे देश से थोड़ा सा लेस डेवलप हो, थोड़ा सा लेस डेवलप हो और वो अंडर डेवलप रहे. क्योंकि हम लोग जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट का हमारा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, लाइक दैट ब्राज़ील हैज़ ऑल्सो दैट कैपेसिटी, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग. लेकिन हमारे देश से थोड़ा सा कम होना चाहिए. क्योंकि पढ़ते समय कभी ये मन में ना आए कि हमारे देश में ये चीज़ें नहीं है और उस देश में वो चीज़ें हैं. सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट रीज़न द कंट्री शुड बी लेस डेवलप. द सेकेंड वन शुड बी लोकेटेड इन द डिफरेंट हेमिस्फीयर. देखो, एक ऐसा देश होना चाहिए जो देश हमारे देश के जैसा है लेकिन दूसरे हेमिस्फीयर में है. हेमिस्फीयर देर आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. सो लाइक दैट इंडिया इन अ डिफरेंट हेमिस्फीयर, एंड व्हेन वी आर सिलेक्टिंग ब्राज़ील सो दैट कंट्री शुड बी इन अनदर हेमिस्फीयर. दैट इज़ वाई कंपेरिजन शुड बी देयर. कंपेरिजन होनी चाहिए. लेकिन ये कंपेरिजन कैसी होगी? एक तो इंडिया के साथ में हो रही है कंपेरिजन, तो इंडिया से थोड़ा सा कम भी होना चाहिए और वो अलग हेमिस्फीयर में होना चाहिए ताकि हमको ये लगे कि यस, हमारे जैसा ही देश कहीं और है. और तीसरा जो पॉइंट है कि शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम कॉन्टिनेंट. अब हमने ब्राज़ील चुना या हम लोग ब्राज़ील चुन रहे, इसके पीछे भी ये है कि हम लोग हमारे ही एशियन कॉन्टिनेंट में से किसी भी एक कंट्री को सिलेक्ट कर लेते और उसको हमारे इंडिया के साथ में कंपेयर करते, तो ये सही नहीं होता. क्योंकि देर आर सो मेनी कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट, देयर एटमोसफियर, देयर क्लाइमेट, देयर लैंड एंड देयर क्रॉपिंग सिस्टम नेचुरली सेम. हमारे यहाँ का मानसून टाइप भी सेम ही होता है. अगर आप एक कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो देर आर सो मेनी कंट्रीज इन अ वन कॉन्टिनेंट. अगर उसी सेम कॉन्टिनेंट में अगर एक आधा अगर हमने कंट्री को सिलेक्ट किया होता तो शायद तुमको एटमोसफियर सेम लगता, शायद तुमको एग्रीकल्चर पैटर्न सेम लगता, शायद तुमको क्रॉपिंग का जो पैटर्न था वो अगर तुमको सेम लगता, बट नॉट लाइक ब्राज़ील. ब्राज़ील हैव यूनिकनेस, वही यूनिकनेस दैट इज़ इन इंडिया, बट इन द डिफरेंट रीजन्स. तो दैट इज़ वाई हमने हमारे कॉन्टिनेंट का कंट्री इसी भी लिए नहीं चुनी कि वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हमको अलग चाहिए थी. दैट इज़ वाई वी सिलेक्ट ब्राज़ील. एंड द फोर्थ क्राइटेरिया शुड बी क्वाइट सिमिलर टू इंडिया बट ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म इंडिया इन द सेम केस. देखो, यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि भारत से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में वो भारत के जैसा ही होना चाहिए. कुछ मामलों में मीन्स मानसून के टाइप में, क्लाइमेट के टाइप में, क्रॉपिंग के टाइप में, भले ही वो दूसरे हेमिस्फीयर में हो, भले ही वो देश दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, लेकिन हमारे कॉन्टिनेंट जैसा ही उसका रंग रूप होना चाहिए, हमारे कॉन्टिनेंट जैसे ही वहाँ पे ट्रेडिशंस होनी चाहिए, हमारे कॉन्टिनेंट जैसे ही वहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमको पसंद आए.
या हमारे हमारे जैसी ही हो एट सम पॉइंट। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे इसमें हमारे भारत देश में जूम एग्रीकल्चर है, हमारे भारत देश में जूम एग्रीकल्चर है। वहाँ पे ऐसा होता है कि पीपल दोज हु आर लिविंग इन द ट्राइब्स दे सिलेक्ट अ वन एरिया, वो एक एरिया सिलेक्ट करते हैं, उसको स्लैश एंड बर्न करते हैं, वो ज़मीन को क्लीन करते हैं और वहाँ पे वो खेती करते हैं। एंड इट्स अ पीरियड ऑफ फिक्स पीरियड, ये कुछ टाइम के लिए ही फिक्स होता है कि आप थ्रू आउट ईयर वहाँ पे खेती होती नहीं है। इट वॉज मूवेबल कल्टिवेशन, जब तक उस फील्ड की फर्टिलिटी सही साबुत है, सही है, तब तक आप उसमें खेती कर सकते हैं। और ट्राइबल्स आर डूइंग दिस, ट्राइबल्स वो काम करते हैं एंड देन मूव ऑन, वो आगे में चले जाते हैं। तो लाइक दैट, जस्ट लाइक जूम एग्रीकल्चर इन इंडिया, इन ब्राज़ील देयर इज अ रोका, वहाँ पे भी जूम के जैसा ही एग्रीकल्चर का टाइप है और वहाँ पे उसको रोका बोला जाता है। वहाँ पे भी वही होता है कि सम ट्राइबल्स आर देयर, मैक्सिमम ट्राइबल्स आर देयर, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द प्लेस, वो सिलेक्ट प्लेस सिलेक्ट करते हैं और उस पर प्लेस सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे वो रोका करते हैं। रोका मीन्स जूम एग्रीकल्चर। तो सेम इन्फॉर्मेशन जो हमारे भारत में है, भारत के ट्राइबल्स से जुड़ी हुई है, दैट इज़ द सेम ट्रेडिशन दैट वॉज इन ब्राज़ील ऑल्सो। तो इसीलिए भी हमको ऐसा एक देश चाहिए था कि जहाँ पे यूनिकनेस हो, वो भी हमारे जैसा ही, और वहाँ पे भी लोग वही काम करें जैसा हमारे लोग हमारे देश में करते हैं। तो नाम अलग है, हियर जूम कॉल्ड एंड देयर इन ब्राज़ील इट इज़ कॉल्ड रोका। So that is why we are select the country for this year, that is Brazil. And the fifth one should have cultural and natural diversity like India. देखो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि we need a country, हमको एक देश चाहिए, वहाँ का culture, वहाँ की diversity होनी चाहिए, जैसा हमारे यहाँ पे भी है। We have living in a diverse manner. आप लोगों को पता ही, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि India have the मैक्सिमम डाइवर्सिटी। आप धर्म के बारे में ले लो, जाति के बारे में ले लो, यहाँ के पहनाव के बारे में ले लो, कस्टम्स के बारे में ले लो, कॉस्ट्यूम्स के बारे में ले लो, देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटी। आप हमारे भारत के बारे में अगर देखोगे तो 30 स्टेट्स है इंडिया में एंड 30 स्टेट्स हैव देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट डाइवर्सिटी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग डाइवर्सिटी है। आपको कपड़े के बारे में, आपको फेस्टिवल्स के बारे में, आपको खाने के बारे में, सभी इसमें आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। और वो जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी यूनिकनेस है। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी हमको चाहिए थी जो कि ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील में होने के कारण वहाँ पे हम लोगों को ये लगे कि यार ये भी हमारे देश में है, लाइक इंडिया ब्राज़ील हैव ऑल्सो द यूनिक डाइवर्सिटी। पॉइंट नंबर 6, शुड बी अ मेम्बर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ इंडिया। देखो यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोली है कि शुड बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ इंडिया। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का जो पहला वर्ड है बी मींस ब्राज़ील, एंड उसमें बी आर आई जो आता है, दैट इज आई इज इंडिकेटिंग इंडिया। दैट इज वाई हमको एक ऐसा देश चाहिए था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, सेम ग्रुप में भारत है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स है, जहां पे ब्राज़ील होने के कारण हमने उसको ब्राज़ील को चुना, दैट इज़ द मेन रीज़न। शुड बी हैव अ कोस्ट लाइन लाइक इंडिया। देखो भारत को 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। अगर आप गुजरात से अगर शुरू कर दे कोस्ट लाइन, दक्षिण में होके अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वो जो डिस्टेंस है, दैट वॉज टोटल डिस्टेंस इज 7500 किलोमीटर। हमको वो भी चाहिए था कि ऐसा देश चाहिए था कि जो कोस्ट लाइन वाला भी हो। तो ब्राज़ील सिलेक्ट करने के पीछे का वो भी एक रीज़न है कि ब्राज़ील हैव 7400, हमारे 100 किलोमीटर ज़्यादा है उनसे। सो दैट इज़ वाई वी आर सिलेक्टिंग ब्राज़ील। सो अनदर दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न वी सिलेक्ट ब्राज़ील। नंबर 8, शुड हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमको ऐसा भी एक कंट्री चाहिए थी कि जहाँ पे जो हमारा देश है, जहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो लाइक दैट वी वांट अ कंट्री इन द अनदर हेमिस्फीयर, अनदर कॉन्टिनेंट, कि इन दैट कॉन्टिनेंट ऑल्सो कि वहाँ पे भी हमारे जैसे ही गवर्नमेंट के फॉर्म हो, हमारे जैसा ही इलेक्शन हो, हमारे जैसा ही
इलेक्शन के प्रोसेस हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सिलेक्ट द ब्राज़ील, बिकॉज सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन इज इन ब्राज़ील एंड इंडिया ऑल्सो. दैट इज़ वाई दैट इज़ द मेन रीज़न वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ब्राज़ील. नाइन्थ पॉइंट, शुड बी सेम सिमिलरिटी इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक सरप्राइजिंग की बात मिलेगी. हम लोगों के ऊपर यानी इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश यहाँ पे आए, पोर्तुगीज़ यहाँ पे आए, मुगल्स यहाँ पे आए, देर आर सो मेनी आउटसाइडर, दे केम हियर एंड एस्टेब्लिश देयर रूल लाइक दैट. वी वॉन्ट अ सेम रूलर दैट इज़ इन ब्राज़ील ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो, दैट इज़ पोर्तुगीज. आप लोगों को पता ही होगा कि भारत पे लगभग 150 साल ब्रिटिशों ने राज्य किया. दे रूल अस नियर अबाउट 150 ईयर्स. तो लाइक दैट वैसा ही ब्राज़ील में भी पोर्तुगीज आए. हमारे भारत देश में भी पोर्तुगीज थे, उन्होंने गोवा, दीव, दमन ये हमारे यहाँ पे कॉलोनीज बना के रखी थी. सो दैट वाज द पार्ट अंडर पोर्तुगीज रूलर्स. सो जस्ट लाइक पोर्तुगीज रूलर इन ब्राज़ील ऑल्सो पोर्तुगीज रूल्ड देम नियर अबाउट 300 ईयर्स. 300 साल तक ब्राज़ील वहाँ ब्राज़ील को रूल किया उन्होंने वहाँ पे. तो सिमिलरिटी इज बिटवीन द रूलर इज सेम बट द कंट्रीज आर डिफरेंट. पोर्तुगीज दे रूल इन इंडिया, गोवा, दीव, दमन एंड पोर्तुगीज दे रूल ब्राज़ील. सो दैट इज वाई वी सिलेक्ट ब्राज़ील. एंड द लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल स्टडी कंपैरिजन टू कंट्रीज बिकम नोटिसेबल हियर. जब मैं बीइंग अ ज्योग्राफी टीचर, जब मैं अपने बच्चों को अगर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, दो देशों का कंपैरिजन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे ये पढ़ के नाराज ना हो जाए यार भारत में ये चीज़ें नहीं है, दिस थिंग्स आर नॉट हैपन. क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट में देखा था कि ऐसा देश चाहिए हमको कि जो डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा इंडिया से कम हो. क्योंकि भारत के बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, वी आर एट सम पॉइंट दे फील रिस्पेक्ट अबाउट इंडिया, कि भारत के बारे में उनको रिस्पेक्ट लगना ही चाहिए. इसीलिए आप लोगों को ये पढ़ाने के लिए यही टॉपिक हमने या हमारे सरकार ने या हमारे बोर्ड ने सिलेक्ट किया कि यहाँ पे कंपैरिजन भी हो, चीज़ें भी पता चले और हमारे बच्चे जब ये बात पढ़े, हमारे बच्चे जब ये ज्योग्राफी के बारे में सुने, इफ़ दे हर्ड अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो दे फील रिस्पेक्ट अबाउट आवर कंट्री, कि हमारे देश में ये है, हम लोग तरक्की कर रहे हैं एंड हमारे ही जैसा देश है कि जो वर्ल्ड के दूसरे साइड में है, टोटली अपोजिट है. इंडिया एक साइड में है और ब्राज़ील दूसरे साइड में है, बट सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज आर देयर, सेम सिमिलैरिटीज आर देयर. लेकिन वो देश भी हमारे जैसा ही है और हमारे से थोड़ा सा लेस डेवलप है. सो दैट इज ऑल दीज आर द रीज़न दैट वी सिलेक्ट द ब्राज़ील. एंड माई डियर स्टूडेंट्स, आई फिनिश्ड माई वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू.